hello everyone myself arpit mishra and today i have come up with one more interesting topic of mod 15 that is gas turbine engine named as compressor washing and cleaning so guys be with me till the end of this video session as i will be covering most of the important point related to the dgc exam point of view so i must say after watching this video if you feel any kind of query then post your doubt in a comment box

कि हम लोग इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कंप्रेसर वॉशिंग एंड क्लीनिंग की हम बात कर रहे हैं कंप्रेसर की क्लिनिंगनेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे अब अपने लोग ये जानते हैं कि एयरक्राफ्ट जब फ्लाई करता है वो ऑब्वियसली एयर में फ़्लाई करता है एयर जो है वो फुल ऑफ़ डस्ट रहती है और ये अभी अपन ये भी कह सकते हैं कि एयर जो अपने अराउंड में है उसमें ईजिली तो हम लोग नहीं देख पाते कि डस्ट पार्टिकल्स हैं या नहीं है बट हाँ जब हम बात करते हैं कि एयरक्राफ्ट नियर टू द ग्राउंड रहेगा मतलब एक लोअर एल्टीट्यूड पे मेरा एयरक्राफ्ट है नॉट एट द हायर एल्टीट्यूड अगर मेरा एयरक्राफ्ट लोअर एल्टीट्यूड पे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और मेरे इंजन को अफेक्ट करती हैं तो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स प्रजेंट हैं या फिर ऐसा समझिए कि कोई फ्यूम्स वग़ैरह हैं जो लोअर एल्टीट्यूड पर मिल सकते हैं एयरक्राफ्ट को वो सारे हमारे कंप्रेसर को फेस करने पड़ते हैं और कंप्रेसर के थ्रू वो इंजन के अंदर जाते हैं तो बेसिकली हमारे इंजन की एफिशिएंसी भी अफेक्ट हो जाती है और इंजन की एफिशिएंसी इफेक्ट हो जाती है मतलब क्या है हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो पुअर मिलेगा और फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा इसलिए हम लोग कंप्रेसर वॉशिंग को करके रखते हैं अब एयर में क्या है? जैसे फाये डर्ट वगैरह है जैसे मैंने बताया कि आ, ये आपको जब आप आपका एयरक्राफ्ट नियर टू द ग्राउंड रहेगा अप्रॉसीमेटली नियर टू द ग्राउंड और आई कैन से एट लोअर एल्टीट्यूड हमारा एयरक्राफ्ट फ्लाई करा तो वहाँ पर हमें ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि हमारा एयर जो है वो डस्ट से अफेक्टेड हो या फिर आप कह सकते हैं कि सॉल्ट हो या फिर ऑयल वेपर्स हो उसके अंदर प्रजेंट हो सकते हैं और वो मेरे कंप्रेसर की एफिशंसी को अफेक्ट कर सके एफिशियसी की बात करूंगा तो थर्मल बेसिकली अफेक्ट हो जाती है इससे इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि टरबाइन और कंप्रेसर हमारा दोनों के दोनों के एफिशिएंटली वर्क करते रहे ताकि हमारे बाकी चीजें यानी कि कंप्रेसर का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर टरबाइन का इनलेट और आउटलेट टेम्परेचर बेटर हमें मिल सके क्योंकि इन्हीं से हमारी एफिशिएंसी डिफाइंड होती है तो ठीक है गाइस अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं आ, कि अब जो पॉइंट्स मैंने स्लाइड्स में मैंशन किए हैं वो हम लोग देखते हैं के क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं तो पहला पॉइंट है द ग्रेजुअल एकोलेशन ऑफ डर्ट एंड कंटामिनेंट ऑन द रोटर एंड स्टेटर ब्लेड ऑफ अ कंप्रेसर विल चेंज द शेप ऑफ एंड दस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ईच ब्लेड अफेक्टेड मतलब जो भी डर्ट है या कॉन्टामिनेशन है वो रोटर और स्टेटर ब्लेड पे कंप्रेसर के अगर आ गया और कलेक्ट हो गया तो यानी कि वो जो ब्लेड है उनका शेप भी चेंज हो सकता है क्योंकि वो एकूमलेट हो जाएगा वहाँ पे और बिल्डअप भी हो सकता है वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा इस वजह से हमारे ब्लेड की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो सकती है अब एक ब्लेड की एफिशिएंसी डिक्रीज होगी तो इसका मतलब वो धीरे धीरे सारे ब्लेड को अफेक्टेड कर देगा नाउ इंजन परफॉर्मेंस इज़ देयर बाय एडवर्सली अफेक्टेड ऑल सॉर्ट ऑफ एयरबोर्न कंटेमिनेट पास थ्रू द इंजन दिस कॉन्टामिनेट बिल्डअप ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ एन इंजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मच ऑफ दिस बिल्डअप कैन बी रिमूव विद द कंप्रेसर वॉश तो कंप्रेसर वॉश एक फिनोमिना है और एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम ये जो भी कॉन्टामिनेशन बिल्डअप हुआ है हमारे कंप्रेसर पे वो हम लोग एलिमिनेट कर दें और उसे रिमूव कर पाएँ ठीक है अब इसको हम मतलब यानी कि इस फिनोमिना को पूरे करने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हम जनरली वाटर का प्रेफर करते हैं और वाटर का यूटिलाइजेशन भी हम कोल्ड वाटर नहीं प्रेफर करते हम लोग प्रेफर करते हैं हॉट वाटर अब देखते हैं हम आगे और क्या पॉइंट्स बोलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसीज द प्रोसीजर फॉर वॉशिंग इंजन वेरी विद मैन्युफैक्चरर्स इंजन टाइप एंड वॉश सॉल्यूशन तो ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर पे इंजन कौन सा है और वॉश सॉल्यूशन कौन सा है जनरली द इंजन इज रोटेटेड विद द स्टार्टर एंड द वॉश सोल्यूशन इज स्प्रेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंप्रेसर ब्लेड तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है मेरा इंजन मतलब जब स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तो विद द हेल्प ऑफ स्टार्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इग्निशन वाला फंडा नहीं आया यानी कि आप फ्यूल सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और इग्निशन भी नहीं दे रहे हैं ये आप ड्राई मोटरिंग कर रहे हैं ड्राई मोटरिंग और ड्राई क्रैंकिंग मतलब अगर आप ड्राई मोटरिंग कर रहे हैं मतलब जो आर होंगे वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इंजन के यानी कि मैं अगर एक वैल्यू पकड़ के चलता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा एन टू आर है वो टेन टू ट्वेंटी के बीच में रहेगा ये एक रफ वैल्यू है आपको स्पेसिफिक वैल्यू बुक में से ही चेक करना पड़ेगा ठीक है तो आप ये देखिए कि स्टार्टर जब तक चल रहा है यानि कि जब तक ये प्रोसेस रहेगा कंप्रेसर वॉश का प्रोसेस जब तक कैरी आउट होगा तब तक मेरा स्टार्टर भी रोटेट हो रहा होगा तो स्टार्टर को डिसएंगेज करता हूँ मैं अप्रॉक्सीमेटली 50 परसेंट आर के पास में यानी कि मेरा जो आर प्रेजेंट है कंप्रेसर वॉश के दौरान वो 50 से नीचे है तो मैं एक वैल्यू स्पेसिफिकली ड्राई मोटरिंग के वक्त हम लोग एन टू के आर पी एम टेन टू ट्वेंटी परसेंट अप्रॉक्सिमेटी डिपेंड ऑन द इंजन कॉन्फिग्रेशन इंजन पे डिपेंड करता है हर इंजन का वेरी होता है ये मैं ट्वेंटी परसेंट सेवेंटी सेवन के लिए वैल्यू बोलूँगा तो वहाँ पर उतने आर पी एम रहेंगे मेरे पर्टिकुलरली इंजन के स्टार्टिंग के दौरान ठीक है उतने आर पी एम पर मेरा ये आ, कंप्रेसर वॉश प्रोसेस कैरी आउट होगा नाउ शोकिंग पीरियड मे बी स्पेसिफाइड एंड द प्रोसीजर इज रिपीटेड वाटर यूज इन वॉशिंग शुड बी रिलेटिवली फ्री फ्राम सॉलिड एंड सॉल्ट ओनली स्पेसिफाइड क्लीनिंग एजेंट शुड बी यूज तो यानी कि वाटर भी जो होगा वो डी मिनरलाइज्ड वाटर होना चाहिए मतलब प्योर वाटर हम प्रफर करेंगे क्योंकि अगर इम्प्योर वाटर लेंगे तो ऑलरेडी हमें कोरोजन जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट डी मिनरलाइज वाटर इज यूज फॉर ऑल क्लीनिंग एंड रिंसिंग ऑफ द कंप्रेसर तो ये आपको याद रखना है बिकॉज इम्प्योर वाटर कैन ऑल्सो कैरी कंटामिनेट और आप तो कंटामिनेशन से बचने के लिए कंप्रेसर की क्लीनिंग आउट कर रहे हैं तो यह अपने को ध्यान रखना है इसके साथ ही उस वाटर में सॉल्ट वगैरह नहीं प्रेजेंट होना चाहिए अदरवाइज आपको इफेक्टिव ऑपरेशन नहीं कैरी आउट होगा नाउ आगे देखते हैं हाँ नाउ ग्रिड ब्लास्टिंग ऑफ टर्बाइन इंजन इज अनदर प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन प्रोसीजर डिजाइन टू क्लीन द कंप्रेसर दिस इज़ वॉट अनदर मैथड ग्रिड ब्लास्टिंग इसको सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हैं ये भी हम प्रेफर कर सकते हैं कंप्रेसर को क्लीन करने के लिए अब इस मैथड में आप सैंड का इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे सैंड में क्या है डिसएडवाटेज क्या है सैंड में हो सकता है मॉइस्चर प्रेजेंट हो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो अगर हम कंप्रेस गैसेस के थ्रू इसको स्प्रे करने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो प्रॉपरली स्प्रे नहीं हो पाएगा और ऑल्सो उसका अगर वो जो पर्टिकुलर सै मतलब हम लोग जो सैंड यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से अगर हम जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे अगर कुछ हमने जो वेपर्स हैं वो इनहेल कर लिए तो वो भी हमारे लिए रेस्परेटरी सिस्टम के लिए डिसएडवांटेजेस है मतलब वो हमारे रेस्परेटरी ऑर्गन्स को आ, मतलब नुकसान पहुँचा सकता है तो हम लोग सैंड को जनरली अवॉइड करते हैं इसीलिए वाटर का इस्तेमाल किया जाता है ऑल्सो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका जो सैंड है भले वो इजीली अवेलेबल है सैंड जो है वो इजीली अवेलेबल बट नॉट एडवांटेजेस है तो हम लोग प्रेफर क्या करते हैं वॉलनट शेल ग्रेट और पिट ग्रेट इज़ इंट्रोड्यूस इन टू द ऑपरेटिंग इंजन एट स्पेसिफिक पावर सेटिंग दिस एब्रेसिव सब्सटेंस मोर इफेक्टिवली क्लीन द कम्प्रेसर हाउ एवर द ग्रिड इज़ बर्न इन द कम्बशन सेक्शन लिविंग द टर्बाइन अनट्रीटेड तो अगर मैं ग्रिड ब्लास्टिंग टेक्निक से आ, मैं कंप्रेसर की वॉशिंग कर रहा हूँ कंप्रेसर की क्लिनिंग कर रहा हूँ तो मैं क्या प्रेफर कर रहा हूँ मैं वॉलट शेल ग्रिड और एप्रिकॉट मतलब पिट ग्रिड को प्रिफर करूँगा ये मेरे कंप्रेसर को इफेक्टिवली क्लीन कर सकते हैं और ये जो इनका मिक्सचर होगा यानी कि जो क्रिट होगा वो हमारा कम्बशन चैम्बर सेक्शन में बर्न हो जाएगा तो यानी कि इस वाले प्रोसेस के अंदर मेरा फ्यूल इग्निशन रहेगा लेकिन अगर मैं इको यानी कि इको यानी कि मैं बोल रहा हूँ कम्प्रेशर वॉश विद द हेल्प ऑफ वाटर अगर हम करें जो कि जनरली की जाती है एयरलाइंस में वही हम लोग प्रेफ़र करते हैं उसके दौरान मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग इग्निशन uh, और फ्यूल सप्लाई स्टॉप करके रखते हैं लेकिन इसके दौरान आई कैन से इग्निशन और फ्यूल सप्लाई कैरी आउट हो रही होगी अब इसमें कुछ और ऐड पॉइंट का हम लोग कुछ पॉइंट ऐड कर लेते हैं जब ये मैं वाटर वाटर इस्तेमाल करके अगर क्लीनिंग कर रहा हूँ कंप्रेसर की तो ये तीन मेन स्टेप में कैरी आउट होगी अगर मैं पहला बोलता हूँ जैसे केमिकल वॉश केमिकल वॉश मतलब यूजिंग स्पेशलाइज इक्विपमेंट सच एज़ आपका रो जेट सिस्टम आर ओ रो जेट सिस्टम रो जेट सिस्टम में हम आप एक स्पेसिफिक डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं वो डिटर्जेंट जो है सिस्टम में सप्लाई करके कंप्रेसर को जब टर्न कर रहा होता है कंप्रेसर हमारा ऑपरेट हो रहा होता है तो डिटर्जेंट का सप्लाई किया जाता है देन सेकेंड है हमारा वाटर रेंस वाटर रेंस में वंस द डिटर्जेंट हैज़ ब्रोकन डाउन द कॉन्टेमिनेट इट इज़ टाइम टू फ्लश द कंप्रेसर विद वाटर टू रिमूव ऑल रेसिड्यू इंक्लूडिंग द क्लीनिंग केमिकल मतलब अगर डिटर्जेंट ने अपना काम कर दिया है पहले तो आपने डिटर्जेंट डाला उसके बाद जैसी डिटर्जेंट ने जितना भी कॉन्टामिनेशन जमा था वो जैसी उसने क्लीन कर दिया तो अब आप क्या यूज़ कर सकते हैं अब आप वाटर यूज़ करेंगे वाटर के थ्रू वो सारा जो प्रोडक्ट है कॉन्टामिनेशन है उसे बाहर रिलीज करवाएंगे अब इंजन रन थर्ड रहेगा इंजन रन वंस द क्लीन हैज़ बीन कंप्लीटेड द इंजन कैन बी क्विकली एंड इजीली ड्राइड बाय ब्रीफली ड्राई मोटरिंग इट मतलब आप ड्राई मोटरिंग करके उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होते हैं कुछ पहली चीज हम लोग कब कंप्रेसर वॉश करेंगे तो देखिए एक तो हो गया आपका मतलब स्केड्यूल स्केड्यूल मतलब हो सकता है मैनू जो मैनुअल में मेंशन होगा कि आपको वन मंथ में करना है वॉट एवर द ड्यूरेशन इज वो मेंशन होगा मैनुअल के अंदर कि आपको वन मंथ के बाद करना है या कुछ डेज के बाद करना है वॉट एवर बट अनस्केड्यूल अनस्केड्यूल आपका कौन सा सिस्टम हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल एक बर्ड स्ट्राइक हो गया या फिर हमारे कैबिन सिस्टम के अंदर कैबिन के अंदर जो कॉकपिट है वहाँ पर हमें या फिर कैबिन के अंदर हमें स्मेल आ रही है ऑयल की वैसा कोई है ई जी टी में हमारा जो हाइक है वो ज़्यादा देख रहा है ई जी ई जी टी प्रॉपर इंडिकेशन नहीं दे रहा है ऐसे दो तीन केसेस के अंदर हम लोग अनस्केड्यूल जो कंप्रेसर वॉशिंग है वो कैरी आउट कर सकते हैं इस अनस्केड्यूल कंप्रेसर वॉशिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग रैप मतलब कंप्रेसर की क्लीनिंग करते हैं अब जैसे कैबिन में, में मैंने बोला ऑयल स्मेल आ सकता है देखिए कैसा है कि हम कंप्रेसर से ही ब्लीड एयर लेते हैं ब्लीड एयर लेके फिर प्रेशरइजेशन सिस्टम में वही ब्लीड एयर जाती है और हमारे कैबिन में सप्लाई होती है तो अगर आपको स्मेल आ रहा है मतलब हमारे कंप्रेसर में कुछ कॉन्टामिनेशन या डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चालू है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करके अनस्केड्यूल कंप्रेसर वॉशिंग कर सकते हैं इसके साथ ही हम लोग कितने टाइम तक करते हैं ये भी मैटर होगा कि कितने टाइम तक आप वाटर इसमें सप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होता है आप देखिए ये भी टाइम भी एक डिपेंड है कि कौन से इंजन पे आप कितना प्रोसेस कितना टाइम अप्लाई कर रहे हैं बट मैं एक बेसिकली रफ वैल्यू दे देता हूँ एयरबस के केस के लिए एयरबस के लिए आ, आपका आ, वन मिनट फोर्टी फाइव सेकेंड फॉर द वन साइकिल मतलब एक बार आपने इंजन चालू किया और ये वाटर वाला प्रोसेस चलाया और आपका स्टार्टर एक, एक मिनट और फोर्टी फाइव सेकेंड तक ऑपरेट रहा इसके साथ सेकेंड साइकिल सेकेंड साइकिल में अगेन वन मिनट फोर्टी फाइव सेकेंड थर्ड टाइम आप सिर्फ 45 सेकंड मतलब थर्ड साइकिल जब आपकी आएगी तो उसमें थर्ड साइकिल में आप सिर्फ 45 सेकंड तक आपके स्टार्टर और इंजन को ऑपरेट करेंगे अब मैंने तीन साइकिल क्यों बोला देखिए पहली साइकिल के बाद आप जो वाटर से आपने रिंस किया है जिस वाटर से आपने क्लीन किया है आप उस वाटर का सैंपल चेक करेंगे एग्जॉस्ट में क्योंकि जो वाटर आप सप्लाई कर रहे हैं वो कंप्रेसर के थ्रू टरबाइन के थ्रू पीछे से एग्जॉस्ट में से बाहर निकलेगा तो कुछ वाटर आपके कोन में रह जाएंगे एग्जॉस्ट कोन में रह जाएंगे वहाँ से वो वाटर सैंपल आप देखेंगे और चेक करेंगे कि कितना इसमें कॉन्टेमिनेशन प्रेजेंट है जैसी वन साइकिल कंप्लीट होगी आपको चेक करना है उसमें पता लगेगा इतने कॉन्टेमिनेशन प्रेजेंट है आप सेकेंड टाइम अगेन वाटर साइक वाटर पास करेंगे और इस साइकिल को रिपीट करेंगे यानी कि वन मिनट फोर्टी फाइव सेकेंड के लिए अगेन आप इंजन को चालू करके उसमें पानी की सप्लाई देंगे ना थर्ड टाइम अगेन आपका यही रहेगा कि आप 45 टाइम तो 45 सेकंड प्रोसेस में रिपीट करेंगे अप्रोक्सीमेटली के तो, तो एयरबस के के केस में सिक्स टाइम्स तक यानी कि आप छह बार तक ये क्लीनिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं जस्ट टू मेक श्योर हमारा इंजन जितना बेहतर है यानी कि कंप्रेसर अगर क्लीन हो जाएगा उतना ही अपने को फायदा मिलेगा एफिशिएंसी में तो गाइस इसी के लिए मैं छोटा सा वीडियो क्लिप भी इसमें ऐड करता हूँ तो आप उसे देखिए कि किस तरीके से कंप्रेसर वॉश कैरी आउट होता है ओके गाइस बाय दिस मच फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो एंड